गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने टोपो शीट पर डिस्कस किया था। एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने पहला टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस। दूसरा टॉपिक सिक्स फिगर हमने नहीं पढ़ा था बिकॉज ऑलरेडी रिड्यूस्ड, ठीक है। हमने एरिया पढ़ा था, एरिया कैलकुलेशन, एरिया कैलकुलेशन इन मीटर स्क्वायर एंड किलोमीटर स्क्वायर बोथ। हमने डिस्टेंस कैलकुलेशन पढ़ा था जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों चीजें पढ़ी थी। हमने लेजेंड्स पढ़े थे, हमने कलर के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। ये सारे टॉपिक हमने लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जो है वो बहुत इजी है और वो आता है हमारा जो थ्योरी का यानी कि पार्ट नंबर टू क्वेश्चन में जो आता है, पेपर में जो आता है उसका पार्ट नंबर टू यानी कि क्लाइमेट, क्लाइमेट चैप्टर पार्ट टू जो क्वेश्चन का होता है क्वेश्चन पेपर का, उसका पहला जो क्वेश्चन आता है वो इसी चैप्टर से आता है। इसमें एक कंपलसरी क्वेश्चन है, आप आंख बंद करके इस क्वेश्चन को करो ही करो, तैयार इसको करो क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। इसमें नो इफ नो बट, ठीक है ना, आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसको, तो ये एक फिक्स क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के साथ दिक्कत क्या है कि बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बहुत इजी है और फिर वो गलत करके आते हैं। जैसे कि अभी देख लो क्या है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आता है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। What is the annual range of temperature? ये क्वेश्चन आता है। अब annual range of temperature में अभी कुछ दिन पहले मैं कॉपी इवैल्यूएट कर रहा था प्री बोर्ड्स की। बच्चे क्या करते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा एड ऑन कर देते हैं, उसके बाद जो टोटल आता है कह देते हैं हाँ यही है हमारा annual range of temperature, that's it हो गया। और उसको भी सीधे सीधे क्या इतना बड़ा सा क्रॉस लगाना पड़ता है, गलत है, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि हम नंबर उसमें दे दें। बट आपको इसमें करना क्या, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। पता नहीं क्या इसमें टफ लगता है बच्चों की जो वो नहीं कर पाते हैं इसको। मैक्सिमम टेम्परेचर पूरे साल में किस महीने का है वो टेम्परेचर में से आपको माइनस करना है मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पूरे साल में किस महीने में रहा है, और मिनिमम यानी कि सबसे कम टेम्परेचर किस महीने में रहा है। अब सिंपल सी बात है, आप डेटा एक बार एक नजर देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई इसमें जो सबसे ज्यादा है वो ये 31.5, ये मैक्सिमम टेम्परेचर, इससे ज्यादा है नहीं। उसके बाद मिनिमम देखोगे तो 16 नहीं है, 14 सबसे कम है। अब भाई 31.5 में से 14 को आप कर दो माइनस, आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा आपका 17.5 आ जाएगा, वो भी डिग्री सेल्सियस। सिंपल, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बट पता नहीं क्यों बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। याद रखना है मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि अब ये यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये जो डेटा है ये वेरी कर सकता है मंथ वाइज, स्टेशन वाइज, कैसे भी वेरी करता है क्योंकि ये नेचर का डेटा है। रेनफॉल अनइवन होती है, अनसर्टेन होती है, टेम्परेचर कहीं भी बराबर नहीं होता। गर्मी का मतलब है गर्मी होगी लेकिन गर्मी तो 30 से 40 डिग्री के बीच में कहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये जो टेम्परेचर है ये फ्लैक्चुएट, टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही चीजें फ्लैक्चुएट करती है, दोनों ही डेटा वेरी कर सकता है, तो ये फिक्स नहीं है। आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या, मैक्सिमम टेम्परेचर में से मिनिमम टेम्परेचर को माइनस करना है। लिख लो इसको आप, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है, रफ कर देता हूं इसको। अब इस पे एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ईयर बताइए। अब
एवरेज में पता है आपको एक चीज, एक फॉर्मूला ये याद रखिए, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एम। अब मैं मैथ का नहीं हूं तो मुझे ये नहीं पता कि स्मॉल होता है या कैपिटल होता है, कुछ भी नहीं। आप सिग्मा एफ एक्स अपॉन एम लिखिए कि सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, आपको एड करने होते हैं टोटल वैल्यूज, यानी कि अगर एवरेज पूछा है तो पूरे साल में हर महीने का टेम्परेचर, जनवरी फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक का टेम्परेचर आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने के बाद जो भी आंसर आपका आएगा उसको आपको टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, यानी कि कितने महीने है पूरे साल में, 12 महीने, उससे डिवाइड कर देना। अब सपोज कर दो, फॉर एग्जाम्पल 720 आ रहा है, ठीक है ना, 720 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, और आपको 12 से डिवाइड कर देना है तो 12 से जो 72, 60 डिग्री सेल्सियस आ जाए। वैसे तो 60 डिग्री सेल्सियस इंडिया में नहीं हो सकता, इंडिया को इक्वेटर पे नहीं, और इक्वेटर पे होगी भी तो इक्वेटर पे इतना टेम्परेचर नहीं हो जाता है जाकर 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। अब सेम एवरेज में क्या है, जहां जहां एवरेज पूछा आपको यही फॉर्मूला लगाना है। पूछते हैं कि एवरेज रेनफॉल बताइए आप, एवरेज रेनफॉल ऑफ द ईयर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेशन। अब एवरेज रेनफॉल आप कैसे बताएंगे, भाई सेम चीज है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, अगेन ये फॉर्मूला आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के रेनफॉल का जितना डेटा है उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और अपॉन फिर नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देना है, यानी कि 12, ठीक है ना। अब अगेन हम एग्जांपल के लिए सेम ले लेते हैं, 720 अगर 720 आंसर आता है, 12 से करेंगे तो 12 6 0 इधर लगा देंगे तो 60 सेंटीमीटर रेनफॉल आ जाएगी आपकी एवरेज, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज इतनी रेनफॉल आ जाएगी। अब एक बात मैं आपको एग्जांपल के लिए इसके रैंडम वैल्यू ले लिए, मैंने आपको सेम फॉर्मूला लगा के एक्चुअल में क्या आंसर आएगा वो बताओ, मैं इस टेबल के हिसाब से मैंने ये टोटल नहीं किया है, ठीक है ना, मैंने आपको एक रैंडम नंबर बता दिया, तो आंसर बताओ मुझे कि एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, एवरेज रेनफॉल क्या होगा, कमेंट में जाकर, ठीक है, इसको रेफर देता हूं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब एक क्वेश्चन क्या पूछता है, बताइए जो स्टेशन है, गिवेन स्टेशन कहां पर सिचुएटेड है, सिचुएटेड इन द इंटीरियर और कोस्ट या कोस्टल। अब आपको ये बताना है कि जो डेटा दिया है जिस भी स्टेशन का, वो स्टेशन इंटीरियर में है या फिर कोस्ट पर है, इसको आप कैसे पता लगाएंगे। अब आप एक चीज ये देख लीजिए कि जो हमारा कोस्टल एरिया होता है उसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर 22 से 27 या मैक्स टू मैक्स 28 मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस रहता है पूरे साल, ठीक है ना, पूरे साल इतना टेम्परेचर रहता है, मींस मॉडरेट रहता है एवरेज टेम्परेचर। अब आप इसका एवरेज टेम्परेचर निकालोगे, अगर पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर इतने में से 22 से 27 के बीच में आ रहा है पूरे साल का, तो मान लो कि ये जो एरिया है ये आपका कोस्टल है, क्या है, कोस्टल यानी कि तट पर है, समुद्र के किनारे है, जैसे कि गोवा महाराष्ट्र गुजरात वगैरह, ठीक है ना, केरला वेस्ट बंगाल जो भी, अगर एवरेज टेम्परेचर इतना आ रहा है तो ये क्या है, कोस्टल है, ठीक है ना, और एवरेज टेम्परेचर इतना नहीं आ रहा है, कम आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मान लो इंटीरियर है। अब एग्जांपल के लिए क्या है कि हमारा उत्तर प्रदेश, यहां पर सर्दी का मौसम विंटर के सीजन में जो टेम्परेचर है वो 3-5 डिग्री तक गिर जाता है, और जब हम देखते हैं कि
कि गर्मी आ गई है तो 38, 39, 40, अभी 4-5 दिन पहले ही आगरा का टेम्परेचर 40 तक पहुंच गया था। तो यहाँ पर एक्सट्रीम केसेस होते हैं, तो यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर क्या है ना, वो थोड़ा सा उसका डिसबैलेंस कर देता है, वो मॉडरेट नहीं रख पाता, या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 22 से 27 तक आ रहा है तो मान लीजिए वो कोस्टल पे है, और कम आ रहा है तो मान लीजिए वो इंटीरियर, इंटीरियर यानी कि बीच में नहीं है। समझ में आ गई बात? और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई? हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी हवाओं की वजह से ये दिए हुए स्टेशन में रेनफॉल हो रही है। अब आपने क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ा है तो आपने साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पढ़ा होगा। साउथ वेस्ट मॉनसून से जो रेनफॉल होती है वो समर में होती है। ठीक है, समर का सीजन कब होता है हमारा बताएं? अप्रैल, मई, जून, मार्च से मान लेते हैं, मार्च, अप्रैल, मई और जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के बाद मॉनसून शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो जून से हमारी मॉनसून की बारिश शुरू होती है और सितंबर तक चलती है। वही नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट का जो रेनफॉल है वो हमारी विंटर रेनफॉल होती है। वो कब होती है? विंटर रेनफॉल होती है। विंटर रेनफॉल ये कब होती है आपकी? नवंबर, दिसंबर, जन। देखिए आप, अक्सर 26 जनवरी के आसपास रेनफॉल होती है। अब 26 जनवरी के आसपास की रेनफॉल के और भी रीजन होते हैं, जिसमें वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी होता है, लेकिन विंटर रेनफॉल की बात कर रहे हैं तो मोटा मोटी हमें ये बताया कि नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर में होती है, साउथ वेस्ट मानसून की बारिश समर में होती है। अब हम डेटा पर जाएंगे, यहाँ पर रेनफॉल हो रही है, हमें पता है कि साउथ वेस्ट मॉनसून जून से सितंबर तक होता है। अब यहाँ पर देखिए, जनवरी में बहुत कम बारिश है, फरवरी में नहीं है, मार्च में नहीं है, अप्रैल में नहीं है, मई में थोड़ी सी हुई, फिर जून में देखो अचानक से बढ़ गई, मई में 5 सेंटीमीटर, जून में अचानक से बढ़ गई 30 सेंटीमीटर, फिर और बढ़ गई 48, फिर और बढ़ गई 75। अब मानसून धीरे धीरे जा रहा है, सितंबर में खत्म होगा तो थोड़ी कम हो गई 38, अक्टूबर में जाके 10, 2, फिर कुछ नहीं। अब हमें पता चला ना कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बारिश हो रही है, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बारिश हो रही है, यानी कि समर मॉनसून है। समर मॉनसून का मतलब साउथ वेस्ट मॉनसून। आपने डेटा देख लिया, लिख दो साउथ वेस्ट मॉनसून। अब इन केस मान लो कि यही बारिश यहां पर हो रही होती 40, 42, 38 विंटर में हो रही ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आप क्या लिख देते? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। सिंपल सी बात है, आपको डेटा देखना आना चाहिए। अब आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है भाई कि साउथ वेस्ट मॉनसून समर के सीजन में होती है, जून से सितंबर तक। समझ में आ गई बात? तो ये 4 तरह के क्वेश्चन हैं जो आपके ज्यादातर आते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये स्टेशन कौन सा होगा, अपने हिसाब से बताओ कि ये स्टेशन कौन सा होगा। भाई देखो, एवरेज टेम्परेचर आपका अगर 22, 27 आ रहा है तो जाहिर सी बात है कोस्टल है। ठीक है, कोस्टल है। अब यहां पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बता देता हूं कि आपके आईसीएसई में जो टोपो शीट है वो सिर्फ 2 जगह की है, गुजरात और राजस्थान। अगर आपको डेटा से पता चल रहा है कि कोस्टल एरिया है, एवरेज टेम्परेचर मॉडरेट आ रहा है, नो डाउट आप गुजरात लिख दो, बात खत्म। और अगर आपको पता चल रहा है कि कोस्टल एरिया नहीं आ रहा है, आपको पता लगता है इंटीरियर है, जाहिर सी बात है राजस्थान में समंदर नहीं है, वो इंटीरियर में, तो राजस्थान लिख दो। अब इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपके एसएससी में दो ही टोपो शीट है, गुजरात और राजस्थान। सिंपल सी बात, कोस्टल है तो गुजरात, कोस्टल नहीं है तो राजस्थान, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तो कुछ नहीं रहा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप माइक निकल गया ना, लेकिन
अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी फिगर लिख सकते हैं कि आपको लग रहा है कि विंटर सीजन में बारिश हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश हो रही है, तो आप पंजाब और हरियाणा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सीधा सिंपल आंसर बता रहा था कि आप गुजरात लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। तो ये है कुल मिला के टेबल का कॉन्सेप्ट कि आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना है। समझ में आ गई बात। उसके अलावा और भी टॉपिक है इसमें, वो हम बात करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना, आज की क्लास का दिया है यहीं पर होता है। थैंक यू सो मच।